माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में लोगों को भड़काने का एक और वीडियो सामने आया है। बरेली के दरगाह आला हजरत परिवार के मौलाना तौकीर रजा ने जनसभा के दौरान कहा कि आतिक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिलत का बदला लेना है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों, अगर तुम नहीं बदले तो इससे बुरा हश्र होगा। तौकीर रजा के भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये फरीदपुर नगरपालिका से आईएमसी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में की गई जनसभा में तौकीर रजा ने ये बयान दिया है। भड़काऊ वीडियो एक से दो दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। वीडियो में मौलाना तौकीर रजा कहते हैं, मैं आपके बारे में बताता हूँ, जब जहाँ जुर्म हुआ मुसलमानों के साथ तकलीफ पेश आए, मैंने उसकी ज़ात नहीं देखी, मैंने उसकी बिरादरी नहीं देखी, बिरादरी की वजह से जुल्म का शिकार नहीं हुआ बल्कि जुल्म का शिकार बनाए गए हैं। बरेली के दरगाह आला हजरत परिवार के मौलाना तौकीर रजा ने जनसभा के दौरान कहा कि आतिक अहमद और अशरफ की हत्या का उन्हें बदला लेना है, आजम खान की जिलत का बदला लेना है। बताया जा रहा है कि यह फरीदपुर नगरपालिका से आईएमसी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थन में की गई जनसभा में तौकीर रजा ने यह भड़काऊ बयान दिया है। अगर और अशरफ का बदला लेना अगर आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जिन जिन सऊदतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है, तो ये समझ लो कि आजम खान की जिल्लत में और अतीक और अशरफ के खत्म में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो जो मौका तुम्हें मिला है ये बताने और अखिलेश यादव को अपने आप को कुछ हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी, अगले जगह को अपने आप को।